नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? रक्त रिएक्शन है, ठीक है। रक्त रिएक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन भी हो और क्या हो, रिएक्शन भी हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रक्त रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो जो फर्स्ट हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन, मतलब हमने यहाँ पे लिखा प्लस ओ, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, ये दो सेंस में होता है। या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन, या उसी कंपाउंड से हट जाए, एच अगर हट जाए तो भी ऑक्सीडेशन। तो दो सेंस में है, ऑक्सीजन का ऐड होना या उस कंपाउंड से एच का हटना, याद रहेगा, ठीक है। और इसका रिवर्स क्या है हमारा? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? एच का एडिशन, ऑक्सीजन का रिमूवल। मतलब अगर किसी कंपाउंड में एच आकर जुड़ रहा है तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। या उसी कंपाउंड से ओ हट रहा है तो उसका रिडक्शन, ठीक है। और एक को याद रखना है, जिसका ऑक्सीजन होगा उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे उसको? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जिसका क्या हो, रिडक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना बात याद आया सबको? क्या उन्हें बताया, समझ में आया क्या? जिसका ऑक्सीजन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एजेंट। और जिसका, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन एजेंट। ऑक्सीजन में क्या होता है? हाँ, ओ का ऑक्सीजन का एडिशन और एच का रिमूवल। और इसमें क्या होता है? चलिए अब एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने लिखा है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, रिएक्शन क्या फॉर्म किया? कॉपर प्लस H2O। अब यहाँ पे देखो, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया? कॉपर बना, और H2 से क्या बन गया? H2O बन गया, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो, कॉपर ऑक्साइड से क्या हटा? ऑक्सीजन हटा, तब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना। मतलब इस कॉपर से क्या निकल गया? ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या है? O माइनस, है ना, मतलब क्या? रिडक्शन। तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन हो गया, है बात समझ में? अब बताओ इसका क्या हुआ? H2 यहाँ पे लिखा हुआ है, और H2 से यहाँ देखो क्या बना, ये तो इसमें क्या ऐड हो गया? हाँ, तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। अभी हमने क्या बताया था? जिसका ऑक्सीडेशन हो तो ये क्या कहलाएगा हमारा, और जिसका रिडक्शन हो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा ये? अब इसको समझो, कॉपर ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं ऑक्साइड एजेंट। इसका मतलब क्या है? ये ऑक्सीजन को देने वाला, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन दिया, और ये कहलाता है रिडक्शन एजेंट, मतलब ऑक्सीजन को लेने वाला, समझ गए। अब इस पर हम सवाल दें, तो इसको आप राइट डाउन कर लो, कर लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना है, और इसमें आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी दिखाना है, ठीक है। आपको दोनों चीज़ करना है, सर सर। इसमें क्या करना है, हमको बैलेंस करना है ना, तो बैलेंस में यहाँ पे कोई पॉलीटमिक आयन तो है नहीं। अगला क्या हमारा? मेटल्स, वो भी ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद क्या हमारा है? नॉन मेटल्स। यहाँ पे सी एल एक है, यहाँ पे सी एल कितना है? दो है, तो यहाँ पे दो डाल दो पहले, ठीक है। तो सी एल तो दो हो गया, एच यहाँ पे कितने हो गए? दो। यहाँ पे एच कितने हो गए? दो, ठीक है। ऑक्सीजन कितना यहाँ पे है? दो, तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट मिनट, यहाँ पे देखो एच कितने हो गए? फोर, यहाँ पे डाल दो फोर, फोर हो गया एच। और सी एल कितना हो गया? फोर, यहाँ पे डाल दो दो। अब दो बैलेंस हुआ क्या? नहीं सॉरी, इधर ऑलरेडी बैलेंस हो गया, सॉरी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखो चेक करो, एम एन एक, ऑक्सीजन कितना हो गया? दो। ऑक्सीजन कितना हो गया? दो है यहाँ पे। एच कितने? फोर। एच कितने? दो, टू जो फोर। सी एल कितने? फोर। सी एल दो और टू, टू प्लस टू फोर, बैलेंस हो गया। अब मुझे ये बताना था कि इसमें किसका ऑक्सीजन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो हमने क्या बताया था ऑक्सीजन का माने? ऑक्सीजन का मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगला क्या हमारा? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो MnO2 से क्या बन गया? ये MnCl2 बना। तो इस Mn2 से क्या हटा? हट गया, इसका मतलब से क्या हो गया? रिडक्शन। और देखो इस वाले में यहाँ पे क्या है? HCl, और H से क्या बन गया? ये H2O बन गया, इसका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। आया बात समझ में? चलिए तो आप घर से आप लोग को इस दो टॉपिक के ऊपर, बैलेंसिंग के ऊपर और रॉक सेक्शन के ऊपर, आपको क्या करना है? सवाल को सॉल्व करके आना है। कल इसके ऊपर कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, ये क्या कहलाएगा हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या कहलाएगा हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है।